दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास है किर्लोस्कर का ओपन वेल मोनोब्लॉक पंप। इस मोनोब्लॉक पंप में प्रॉब्लम है कि इसमें हेड ही नहीं है, तो कस्टमर ने कई जगह इसका पता कर लिया है, पता नहीं कहां से कबाड़े में से लिया है, कहां से लिया है, वो बोल रहा है कि इसी तरह का ये मोनोब्लॉक है, इसमें हेड नहीं है। तो इसमें हेड लगाना है, इसके लिए उन्होंने बोला है कहीं से कंपनी का जो ओरिजिनल हेड इसका किर्लोस्कर का तो मिल नहीं पा रहा है, बाकी इसमें हेड लगा के सेट करना है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पर कंडेंसर वगैरह, वायर, मेन लीड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में इस मोटर को कंप्लीट हम चेक करेंगे और इसमें कौन सा हेड सेट हो पाएगा इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए किर्लोस्कर की ब्रांडिंग, और इसमें कैपेसिटर वगैरह तो कुछ भी नहीं है मोटर के अंदर। ये इसका एम्पलर देखिए, एम्पलर काफ़ी ज़बरदस्त है, बाकी हेड तो इसमें है ही नहीं। पता नहीं कस्टमर ने कहां से लिया है इस मोनोब्लॉक को, सॉरी मोनोब्लॉक नहीं, ओपन वेल पंप है ये। तो यहां पर सबसे पहले तो कनेक्शन बॉक्स को खोल लेंगे और देखते हैं इसके कनेक्शन वगैरह और वाइंडिंग को चेक करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर कनेक्शन बॉक्स तो हमने खोल दिया है, कनेक्शन बॉक्स के अंदर कोई डायग्राम वगैरह तो कुछ भी नहीं है कनेक्शन का। तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड आ गया है हमारा टेस्टिंग वाला, तो सप्लाई यहाँ पर आ रही है, सीरीज से ही चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। तो तीनों में कंटिन्यूटी ओके है, अर्थिंग बिल्कुल नहीं है, मोटर तो ठीक लग रही है वैसे बिल्कुल, बाकी मुझे लग रहा है ये मोटर थ्री फेज की है। कस्टमर को इतना विश्वास है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो इलाज हो ही जाएगा इसका। बाकी ये तो थ्री फेज की है, तो इसको सिंगल फेज पे चलाने के लिए 20 UF या 25 UF का कैपेसिटर तो इस पर लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 20 से ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी दो कनेक्शन के ऊपर यहाँ पर कैपेसिटर लगा देंगे, तो एक तो ये नीचे वाले के ऊपर लगा देते हैं और एक कैपेसिटर का वायर लगा देते हैं ऊपर वाले के ऊपर। ब्लैक वायर यहाँ पर सिंगल जो साइड का रह गया है ये वाला बीच वाला पॉइंट, इसके ऊपर लगा दिया है, कॉमन बना दिया है लगभग। और ये हमारा टेस्टिंग लीड लग गया है, और ये लग गया है क्लैंप टेस्टर एम्पियर टेस्टिंग के लिए, प्लग लगा दिया है, ऑन कर दिया है टेस्टिंग को। यहाँ पर चला कर चेक करेंगे मोटर, तो ये मोटर चल गया है हमारा, बिल्कुल सीधा चल रहा है, एम्पियर देख पा रहे हैं 0.4 एम्पियर इसके आ रहे हैं अनलोड बगैर लोड के। बाकी मोटर के RPM काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ चलाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये एम्पलर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है इस साइड में, बाकी एम्पलर हमें घुमाना है एंटी क्लॉक, तो ऊपर वाले के ऊपर ही ये एंटी क्लॉक घूमेगा। तो एम्पियर तो इसके यहाँ पर 0.4 एम्पियर आ रहे हैं, ऑफ करते हैं एक बार। इसके बाद में 25 UF के जो कैपेसिटर है उससे भी ट्राई करके देखते हैं। मोटर का थोड़ा सा पिकअप कम आ रहा है, तो इससे थोड़ा पिकअप भी बढ़ जाएगा और एम्पियर भी चेक कर लेंगे, जिससे एम्पियर कम आएगा उसी को हम लगाएंगे। तो ये हमने ऑन कर दिया है, वापस से ऊपर वाले पर लगा कर चेक करेंगे। तो इसमें एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, 1.6 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर के आसपास मोटर इस कैपेसिटर से ले रही है, ज़्यादा एम्पियर ले रही है। तो ये कैपेसिटर तो हटाना पड़ेगा, इसको तो हटा लेते हैं, और जो 20 MFD वाला कैपेसिटर है इसको लगाएंगे। तो कनेक्शन बॉक्स में हमने होल कर लिया है इसको लगाने के लिए, यहाँ से होल कर दिया है हमने, और इसके जो कनेक्शन है कैपेसिटर के ऊपर और नीचे वाले कनेक्शन के साथ इसको लगा देंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर लग गया है। यहाँ पर मेन लीड के लिए यहाँ पर 1.5 MM का जो कॉपर वायर है उसका यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इतना तो हैवी इसमें चाहिए। एक तो हमने कॉमन के ऊपर लगा दिया है, एक ऊपर वाले वायर के साथ में लगा दिया है। तो ये हमारा कनेक्शन लीड रहेगा इस मोटर का। अब यहाँ पर तीनों जो कनेक्शन है हमारे, इनको यहाँ पर टी स्पैनर लेंगे, 10 नंबर का टी स्पैनर का इसमें यूज होगा, और इनको पूरा टाइट कर लेंगे ताकि ये लूज नहीं रहें, स्पार्क नहीं करेंगे। और कनेक्शन बॉक्स को ऊपर से यहाँ पर सेट कर देंगे और कनेक्शन बॉक्स के चारों स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कनेक्शन बॉक्स लग चुका है, यहाँ से वायर को बीच में से कट कर लेंगे और इनको छील लेंगे। तो ये हमारा मेन लीड भी बन गया है मोटर का। तो कैपेसिटर को यहाँ पर फिक्स करेंगे, इसके लिए मैंने ये पत्ती तैयार की है, इसमें नहीं था। तो यहाँ पर दो स्क्रू इसमें लगा देंगे, कैपेसिटर एक जगह बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये सिंगल फेज की मोटर हमारी तैयार हो चुकी है, थ्री फेज की मोटर थी वैसे। अब यहाँ पर एम्पलर का देखेंगे, एम्पलर तो काफ़ी ज़बरदस्त है, हेड का क्या करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो एम्पलर को ही खोल लेंगे। तो ये देखिए 17 नंबर के स्पैनर से इसका बोल्ट खुल गया, काफ़ी बड़ा बोल्ट है इसमें, ये वाशर है इसमें, और ये है इसका एम्पलर, ये आराम से निकल गया है।
बहुत ही अच्छी फिटिंग है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ओपन वेल पंप है। ये इसका एम्पलर का लॉक है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, कभी यूज में आएगा। ये स्पेसर है पीवीसी का जो कि ऑयल सील के ऊपर है, ऑयल सील को निकाल लेंगे चारों तरफ से बराबर बराबर निकालेंगे ताकि ऑयल सील इसका ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए ऑयल सील इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑयल सील लगा हुआ है, ऑयल सील का स्टोन रह गया है ब्लैक वाला तो ये भी निकल गया है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए 19SR नंबर का इसमें यानी कि 19mm का ऑयल सील लगा हुआ है। तो मोटर तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल साइलेंट भी है, बैरिंग भी फ्री है इसके। तो ये जो नट बोल्ट ऑयल सील वगैरह हैं इनको सबको एम्पलर के साथ ही रख देते हैं इकट्ठा करके। आप सोचते हैं इसको मोनोब्लॉक बनाने के बारे में, तो ये जो 1 HP का हेड है इस मोनोब्लॉक में हम लगा कर सेट कर सकते हैं। तो इसकी सिचुएशन देखते हैं एक बार क्या कंडीशन है। तो ये हेड इसमें यदि लग गया तो इस तरीके से ये मोटर दिखाई देगी, देखिए काफ़ी शानदार लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हेड इसमें सेट कराने के लिए थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। तो ये एम्पलर है, इसमें काफ़ी हैवी एम्पलर है, 80mm का, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर देगा। तो ये नीचे वाली फ्लेंच यहाँ पर सेट होगी हेड के ऊपर। तो ये देखिए इसमें 16mm की ऑयल सील का हमें यूज करना पड़ेगा इस हेड के लिए। तो यहाँ पर ये इसका स्टोन है पिंक वाला जो यहाँ पर सेट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हेड को कैसे सेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो गया है वैसे तो, बाकी इसमें बोल्टिंग करा देंगे 3 बोल्ट और ये एम्पलर यहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए शाफ्ट को हमें थोड़ा लंबा करवाना पड़ेगा, बढ़वाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समथिंग 35mm के आसपास हमको शाफ्ट को बढ़वाना पड़ेगा। तो उसके लिए मोटर को पूरा खोलना पड़ेगा और शाफ्ट को भी निकालना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मोटर का फैन कवर खोल लेते हैं। तो बोल्टिंग इसमें काफ़ी अच्छा है, नीचे की तरफ ये स्टैंड दिया हुआ है इसका। तो ये देखिए फैन कवर तो निकल गया है, फैन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए फैन भी इसका बिल्कुल न्यू मोटर है दोस्तों, फैन भी बिल्कुल चमक रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसमें 10 नंबर के ही स्टड लगे हुए हैं जो कि काफ़ी हैवी हैं, मोटर भी काफ़ी हैवी है। तो स्टड खोल दिए हैं चारों स्टड के नट और ये निकल गया है आराम से इसका रोटर बाहर। अब देखिए स्टेटर, तो स्टेटर तो देख पा रहे हैं चेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग रनिंग का कोई खेल नहीं है इसमें, 3 फेज का ही था मोटर। तो चलिए यहाँ पर स्टड खोल लेते हैं। तो चारों स्टड खोलने पड़ेंगे हमको और ये जो रोटर है इसको भी यहाँ पर ये पार्ट से अलग करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं अंदर की तरफ 3, जिससे बैरिंग प्लेट लगी हुई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है। ये देखिए काफ़ी इजी निकल गया है, 6204 नंबर का बैरिंग है, बहुत ही शानदार हैवी बैरिंग लगे हुए हैं मोटर के अंदर। शाफ्ट पूरी SS की है, देख पा रहे हैं शाफ्ट को तो रखते हैं। अब देखिए जो कास्टिंग वाला पार्ट है इसके ऊपर हम सेट करेंगे हेड को। तो ये पार्ट तो हमें यहाँ पर सेट कराना है, तो इसमें होल और थ्रेड वगैरह कराना पड़ेगा। तो ये दोनों तो जाएंगे ही मार्केट, ये एम्पलर इसमें सेट हो जाएगा और ये हेड इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर से लग जाएगा। तो हेड को तो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेड तो रखते हैं। पूरा वर्क कराने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में इस मोटर को हम फिट करेंगे, चलाकर चेक करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आपने देखा जो मोनोब्लॉक था हमने चेक कर दिया है, कैपेसिटर इसमें लगा दिया है। 1 HP का बहुत ही ज़बरदस्त मोनोब्लॉक तैयार होने वाला है, थोड़ा सा इसमें टाइम और लगेगा। इसकी जो शाफ्ट है उसको 35mm हमको बढ़वाना पड़ेगा और ये वाला जो हेड है इसको लगाकर सेट कर देंगे। उसके बाद इस मोनोब्लॉक को चलाकर चेक करेंगे, जिसका वीडियो भी काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।